बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, अल्लाह तुहानू खुश रखे, शादोबाद रखे। इसे प्यारी दुआ ना अज का व्लॉग शुरू कर दी। शुरू करने तो पहले छोटी रिक्वेस्ट कर दी, अच्छा फैमिली व्लॉग जिन्हें सबसक्राइब नहीं किया उन्हें सबसक्राइब करो, जरा बैल आइकन का बटन जरूर प्रेस करो कि साड़ी हर वीडियो नोटिफिकेशन मेरे भैन भरावों तक बार वक्त पहुँचता रहे। अज की वीडियो कुछ इस तरह क्योंकि मैं सह भी चढ़िया चढ़िया हुआ उपर छत से चढ़ी हूँ मसाया दे उपर जड़े भी पेटिया के छाड़े छाड़े वगैरह सारे धोने से वह भी धोने नाल नाल मैं अपने भैन भरावों भी दिखाऊंगी। तो अल्लाह पाक मेरे भैन भरावों तंदुरुस्ती देवे, सेहत दे, बीमारों को शिफा देवे, आमीन सुमा आमीन। तो जो हम काम करते हैं तो नाल जरूर दिखाने तो मेरे वीडियो नाल जुड़े रहना, वीडियो स्किप ना करना, पूरी वाच करना। तो जी अज मैं बना लगी हाँ करेले, तो करेले जड़े वह मैं को रख लए तो टोकरिया में पा लिया। तो हरी मिर्च प्याज तो प्याज जड़े प्याज क्योंकि काफ़ी जड़े प्याज पैने करेलिया के सारा समान मैं रेडी कर चुकी हूँ, हम इन्हें बना तैयार करके तो फिर पकाने क्योंकि करेलिया के प्याज काफ़ी पेंदे होंगे, ज़्यादा पेंदे होंगे। तो दाल का मेरा इरादा है सी मैं चलो चनिया दाल में पा के मिक्स करके तैयार करूँगी, तो चनिया दाल मैं लगता मुक्की हुई है, चनिया दाल है नहीं। तो समान सारा मैं रेडी कर लिया वा, हूँ बैठती हूँ, बैठ के इन्हें तैयार कर दी हूँ, तैयार करके इन्हें तैयार कर दें तो फिर नाल जिद जिस तरह बनाऊँगी मैं उस तरह अपने भैन भरावों के नाल जरूर शेयर करूँगी। अच्छा जी करेले जड़े बिल्कुल कट के नमक ला के रख दते हैं, तो प्याज भी कट ले, हरिया मिर्चा टमाटर भी रख ले कोल, तो सारा समान जोड़ा मैं रेडी कर चुकी हूँ। तो अच्छी तरह हूँ नमक जो लगा हुआ यो निकल जाऊगा भी कच्चा ज पानी जो कौड़ा कौड़ा जहा निकल जाऊगा, फिर अच्छी तरह इन वाश कर लवेंगे, वाश करके तो फिर इन्होंने तैयार करते हैं। तो सारा सारा समान मैं रेडी कर चुकी हूँ, तो हूँ जो मैं होर कम करने वाला होर भी कर लें। अच्छा जी देखो भी कपड़े जोड़े पेटिया के छाड़े आ देखो माशाला अच्छी तरह वाश कर चुकी हूँ, तो मशीन लगाई हुई सी तो छाड़े सारे जड़े धो दते पेटिया के। तो इस तरफ है जी बर्तना वाली जाली आ, मैं क्या बर्तन जी फिर किचन में रखा करने कुछ इस तरफ फोल दते, तो किचन में बर्तन रखा करने तो जाली जी ये बर्तना के उत्ते पाया करूँगी क्योंकि मक्खी वगैरह ना बैठा करूँगी। ये जाली जी मैं इस वास्ते फिर नाल धोली है, तो जाली मेरे को पई सी तो जाली जी भी नाल फिर उपर पाया करा। देखो सारे मैम उपर क्योंकि मैं हवा चलती सी जे थले डिग जाने उपर वटा रखा वा, तो इधर काम कर रहे हैं इस तरफ सवेर तो स्नान करे फिर दोबारा लगेगा इतने। तो माशाल्लाह इस तरफ देखो बदल भी हो रहा वा, इधर देखो बदल भी हो रहा वा, बच्चे खेल रहे हैं और नीचे हम चलते हैं चल के घर, तो खेस भी धोने मोटे तो खेस भी मैं चल हूँ चादर वास्ते मैं बेटी पेटिया छाड़िया वास्ते लाई थी मशीन से हम ही मैं खेस धो लवा क्योंकि नाल नाल जी सब्जी में पानी भी लगी जाता वा, तो नाल कपड़े भी धुपी जा जे खेस तो छाड़े छुड़े सारे जड़े ये भी धुपी जान डे आ, तो सारा काम जरा नबेड़ के उस तो बाद फिर मिट्टी की तैयारी भी करनी है, फिर मिट्टी भी नाल लावांगे सारी। अच्छा जी खेस देखो कड के मैं बाहर लिया के रख ले, तो मंजिया दियाँ तो बैठ दियाँ चार दूसरा चादर जड़िया वह भी लिया के रखी वा, नाल छाड़े भी जड़े पेटिया के वाश कर ले हूँ इन्हों भी नाल धोने तो इन्हों का काम भी नाल निबेड़ा, तो नाले खाने की तैयारी करते हैं नाल खाने की तैयारी नाल करती हैं नाल भैन भरावान अपने वो भी दिखावगी नाल नाल कपड़े भी वाश करूँगी तो नाल नाल खाना भी तैयार करूँगी दोनों काम ही करा, तो नाल ये भी काम निबड़ता जाऊगा तो खाने का भी जोड़ा खाने की भी तैयारी हो जाऊगी। अच्छा जी जोड़े कपड़े आ कुछ उत्ते धो के पाते मशीन काफ़ी देर की लाई गई थी, तो हम अच्छी तरह बैठती हूँ कुछ रह गई वा सुबह देखी जाओ सवेरे काम करा जो करने वाला वा, तो हम जो हो होगा हम वो काम कर लवेंगे हम तार के अच्छी तरह तो इन्होंने पानी निचल जाता वा, तो फिर सामने घर के मसाया के उपर द्वार के खोल लेंगे। जी कबूतरां नूं प्यास लगी है देखो इत्थे पैप दे कोल पानी उत्थों पैप लीक होया वा, तो पैप दे ओ देखो पानी जा रहा वा तो उत्थे पानी पी रहे इस जगह का। अच्छा जी नमक लाया होया सीगा हुण अच्छी तरह इन्हां नूं धो लेंगे, ये देखो हुण नलका चला के धोऊंगी बिल्कुल जिहड़ा थोड़ा पानी सीगा बिल्कुल निकल विच्चों निकल चुका वा, हुण कुट कुट के इन्हां नूं धो लूंगी धो के
टमाटर हरिया मिर्चा तो करेले अच्छी तरह वाश हो चुके तो इन्हें चल के हम खाने की तैयारी कर दी उन्होंने खाने तैयार कर दें फिर तो धोखे ले तो चादर जड़िया अच्छी तरह वाश हो गई सारा काम हो चुका। अच्छा जी मैं चूल्हे को समान सारा रेडी कर चुकी हूँ तो जे करेले भी अच्छी तरह वाश करके लिया कपड़े भी फोल दते उपर वो भी नाल काम हो जाऊगा मशीन भी लाई हुई है नाल खाना भी तैयार कर दी है हम बिस्मिल्ला करते हैं अग चालू हो गई है बिस्मिल्ला रहमान रहीम खाना भी नाल तैयार करते हैं। सब तो पहले बिच की है जरा मिक्स करा क्योंकि करेले फ्राई करने हैं करेलिया में थोड़ा जा ज्यादा घ्यो पाना पैना घ्यो फ्राई करने हैं करेलिया बिल्कुल कुट कुट के पानी घे हों गर्म होंगे तो निचोड़ दें अगे कुछ निचोड़े है मैं कुछ किए है तो पहले नमक ला के रख दिता से इन्होंने तो पानी जरा कौड़ा वा बिचों बिल्कुल निकल गया पानी बिल्कुल खुशक हो गया बिचों तो घे अच्छी तरह गर्म हो गया हम बिस्मिल्ला करते हैं करेले जो मिक्स कर देने करेले मिक्स कर दते हैं अच्छी तरह ये बिल्कुल हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे फ्राई हो जाएंगे बिल्कुल तो फिर इन्हें कड़ लें लैदा बॉल के कड़ लेंगे या किसी बर्तन में अच्छे डब्बू लियाए थे करेले कहते थे करेले बना लवो तो लिया परसों के लिया हुए थे अज तो नहीं ताजे ताजे दिन लिया है तो लिया के रखे पैसे मैं चलो अज ना खराब ना हो जाए इन्होंने भी अज बना लेंगे। अच्छा जी बिल्कुल देखो करेले फ्राई हो चुके हैं तो हम मैं जो कड़ लैनी हूँ करेले करेले कड़ के फिर मसाला जरा वो रेडी कर दें चलो बहुत सोने पे फ्राई हो चुके तो हम इन्हों कड़ लें। अच्छा जी करेले जड़े वो फ्राई हो चुके हैं बिस्मिल्ला कर दी हैं बिस्मिल्ला रहमान रहीम इस तरह बॉल दे कड़ लें गरम गरम गुड़ कड़ी जान नहीं है तो फिर प्याज पाने फ्राई करने वास्ते मैं उपरों छिल के नहीं हूँ भी तैयार कर दी होनी किस टाइम बना भी लेनी होनी छिल के तो ज़्यादा जो मज़ेदार है ना बिन उपरों छिले दे तो मज़ेदार बन गए अच्छे बन गए फ्राई करके बाहर कड़ लिया हम पाने लगे प्याज बिस्मिल्लाह रहमान रहीम प्याज जोड़े मिक्स कर देते हैं प्याज जोड़े हल्के ब्राउन हो जाते तो नाल ही टमाटर मैं कट लैनी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम उपर दे दें टोकरी टमाटर हरी मिर्च इन्हां दी उन्हें कट लेने नाल ये तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी प्याज हल्के ब्राउन हो चुकी है हरी मिर्च टमाटर बिच मिक्स कर देनी है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हरी मिर्च टमाटर भी नाल मिक्स कर देते नाल पा दें नमक और मिर्च मौसम भी जरा ना भी बदल आई बन जान रही है इस तरह भी जिदा भी बारिश आऊगी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दो रेड मिर्च के चम्मच हल्दी का पाउडर नमक अच्छा जी नमक मिर्च पा दिता वा अच्छी तरह हम मसाले भुन के तैयार कर दें तैयार करके तो फिर जे फ्राई किए करेले फिर मिक्स कर देवे। अच्छा जी मसाला रेडी हो चुका वा हम बिच में मिक्स कर लगी हूँ करेले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करेले जेडे मिक्स कर दें अच्छी तरह हम मिक्स करके तो उपर ढक्कन दे दें अपने दम के बिल्कुल जी माड़ी मोटी कसर हुई कोई तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे दम दे दें उपर अग जी अग नीचे हल्की कर देंगे तो देखो मैं फटाफट सारा भज भज के काम नबेड़ के आई हूँ तो सारा जरा ना भी दूसरा उत्तों कपड़े वगैरह गद्दे उपर पाए हुए से सारे काम जोड़े मैं कर रही हूँ तो हाँ खाना भी साड़ा पक्के तैयार हो गया साड़ी आई दी वीडियो अगर जे मेरे बहन भाइयों पसंद आई होवे
लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट सानू जरूर दसियो, अपने दुआवां सानू बहुत ज़्यादा याद रखियो। असीं भी अपने भैन भरावां नू हर टाइम याद रखदे, अल्लाह पाक मेरे भैन भरावां नू तंदरुस्ती देवे, सेहत देवे, बीमारां नू शिफा देवे, जिहड़े बेरोज़गार अल्लाह ताला नू रोज़ी तकसीला देवे, जिहड़े बे औलाद अल्लाह ताला नेक और सालिया औलाद देवे, ते जिन्नी मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक सब नू तंदरुस्ती और सेहत देवे। फिर मिलांगे नैक्सट वीडियो विच, सानू इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।